तो आज हम लाइट वेट चार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कैंडल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं लाइट वेट चार्ट को पिप इंस्टॉल लाइट वेट चार्ट कर सकते हैं, या फिर लाइट वेट चार्ट के गिटअप आप क्लोन बनाकर देन उसका बिल्ड उसको सेटअप डॉट पाई को रन कर सकते हैं। इसे लाइट वेट चार्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन हम लाइट वेट चार्ट यूज करेंगे एंड यहाँ पर मैंने नॉर्मल काइट के ऑब्जेक्ट्स बनाए और एक कैंडल का डेटा ले लिया। यहाँ पर हम निफ्टी का ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आईडी निफ्टी की है और 3 दिन पुराना है एंड आज का। ओके, सबसे पहले हम टालिब से एटीआर कैलकुलेट करेंगे। टालिब के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी कैसे हम एटीआर और आरएसआई ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एटीआर यूज किया है, 14 पीरियड दिया है। ऐसे ये जो भी कैंडल का डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। डेटा फ्रेम में मैंने की बना लिया एटीआर, SMA 9, 20, 14, 50। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। एंड इसके बाद सो चार्ट, याद रही जो ये जो फंक्शन है ये चार्ट को ओपन करेगा और यहीं इसी के अंदर हमारी लाइन स्टोर करेगा। इसको हमने एक सेपरेट थ्रेड में चलाया है, थ्रेड में चलाना जरूरी है, अदरवाइज ये एरर दे जाएगा क्योंकि ये ब्लॉकिंग कॉल है चार्ट के। यदि आपको 2-3 चार्ट ओपन करने हैं तो इसी तरीके से आपको 2-3 थ्रेड चलानी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैंने सो चार्ट का फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर चार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, रीजन विजिबल ट्रू सेट। यहाँ पर आप लेआउट भी सेट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर व्हाइट चाहिए या कोई भी चेंजेस चाहिए आपको तो कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने लाइन क्रिएट की है। लाइन जैसे आप देखते हो मूविंग एवरेज की, अप डाउन की जो लाइनें बनती है, इस तरीके से हमने एटीआर की, SMA की, इन सब की लाइनें ड्रॉ किया। तो पहले क्रिएट लाइन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन उसमें हम अपनी सीरीज डालेंगे। टाइम की हमारी कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पर बनती है, जैसे 9:15, 9:20, हम 5-5 मिनट की ले रहे हैं यहाँ पर, 9:25, 9:30। तो इसी तरीके से 8 AR की 9:15 पर क्या वैल्यू होगी, 9:20 पर क्या वैल्यू होगी, वो सब हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं टाइम का। एंड देन 8 AR यहाँ पर दे रहे हैं। ये अप्लाई टाइम जोन आप करंट, ये जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली डेट डालकर डॉट वैल्यूज करेंगे तो उसकी सीरीज हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। ऐसे हमने 8 AR की अपलोड कर दी है। 8 AR यहाँ पर जो की का नाम दे रहे हैं वही नाम हमें यहाँ पर देना होगा क्रिएट लाइन का। और लाइन का मैंने कलर दे दिया येलो। इसी तरीके से SMA 9 यहाँ पर दिया है मैंने, और डेटा फ्रेम में से मैंने SMA 9 लिया, ऐसे 14 एंड 20 इस तरीके, और 50। हमने इस तरीके से SMA की लाइन को ड्रॉ कर लिया क्रिएट लाइन। देन उसके बाद हम अपने चार्ट को शो कर रहे हैं एंड यहाँ पर मैंने इसको रन किया। ओके, तो हमारे यहाँ पर ये चार्ट शो हो गया है। वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, बट हम अभी इंडेक्स का चार्ट है तो वॉल्यूम अभी यहाँ दिखेगा नहीं। सो ATR SMA 9 यहाँ पर हमारी येलो है, देन पिंक है, 9 की ग्रीन है एंड ब्लू, और देन रेड। तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो हमारी प्रॉपरली ये डिप्लॉय हो रहा है, वर्क कर रहा है। और यदि हम वैल्यूज को मैच करेंगे तो जैसे हम 50 का देख लेते हैं, 20, 20, 921 लास्ट हमारा कितना है, 20921 पॉइंट, नहीं, ये येलो तो ATR का है, हम मूविंग एवरेज रेड का, यानी कि 20908.40। हम यदि काइट में मैच करें ये क्या, एंड 5 मिनट का 50 का मैंने लगा रखा है इसमें, हाँ गया 20920.21, 20919.80, 20908। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली यही इशू पड़ जाता है कि जो पुरानी कैंडल है ना वहाँ से लेते हुए चलते हैं, देन जाके मीन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 डेज का ही लिया है तो उस हिसाब से हमारी ये वैल्यूज बनी है। तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी आप डेज ज़्यादा लोगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा अप एंड डाउन बनेगा। तो इस तरीके से हमने लाइट वेट चार्ट का यूज़ किया है। एंड हाँ, हमारी स्ट्रेटजी जो हम यूज़ कर रहे थे तो एक ने कल ऐसा हिट किया एंड बाकी ने वो प्रॉफिट दे दिया था, वो भी हम दिखा देते हैं एक बार। हमारा था डिस्कॉर्ड,
जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा टीपी 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 अंतर, यहाँ पर हमारा एक ऐसा लेट हुआ था। तो ओवरऑल प्रॉफिट में यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं कि 30,000 है तो 10-10-10 हज़ार के हम ट्रेड लेते हैं, तो उस हिसाब से तो हम प्रॉफिटेबल हैं। तो आज देखते हैं आज क्या होता है। थोड़े से मैंने चेंजेस भी कर दिए हैं कि प्राइस हमेशा 10 से ऊपर, 100 से कम हो तो ही हमारी स्ट्राइक प्राइस को उठाए, अदरवाइज ना लें।